इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, आज इनका जिस तरह से दुरुपयोग भेजा कर रही है बीजेपी, ये जग जाहिर है, कोई डरने वाला नहीं है इन चीजों से। इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया। और जो आईटीसी होटल मानेसर है वो तो स्थायी अड्डा बन गया तख्ता पलटने के लिए। याद करिए आप मध्य प्रदेश के जो 22 विधायक आए थे वो भी उसी मानेसर के आईटीसी होटल में थे, बाद में उनको कर्नाटक ले जाया गया और वही होटल है आज, वही राजस्थान के विधायकों को रखा गया। कल एसओजी की टीम गई, बाद में उनको शिफ्ट किया गया है। जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनको तो हैंडल कर रही है बीजेपी डायरेक्टली, और यह हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस के 19 विधायकों को हैंडल कर रही है। ये कितना भी जोर लगा लो, यहाँ मेजोरिटी प्रूव करेंगे फ्लोर के ऊपर। लेकिन जो बेईमान है, क्योंकि इनके माता पिता हमको फोन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कैद कर रखा है, किसी की पत्नी फोन कर रही है कि मेरे पति को कैद कर रखा है, अगर हिम्मत है, लोकतंत्र में भरोसा है तो खुला कर दो इनको। ये बार बार कह रहे हैं कि आईटीसी यहाँ पे, ये जो होटल है हमारी फेयर माउंट, इससे जैसे ही विधायकों को खुला करेंगे हमारे बाड़े में आ जाएंगे। आपको चुनौती है मेरी, आप अपने 19 विधायकों को फ्री कर दो, उनमें से कितने इधर कांग्रेस कैंप में छटपटा रहे हैं वापस आने के लिए।